हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सुपर की का डेफिनेशन लिखा हुआ है। सुपर की क्या होती है? सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन, सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन होगा ये COMBINATION हो जाए। सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज और टपल इन द गिवन रिलेशन। यानी किसी भी डेटा, यानी किसी भी डेटाबेस के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाई किए जा सकने वाले टपल्स होते हैं या रोज होते हैं, उनको हम सुपर कीज बोल सकते हैं। अब इनको बनाएंगे कैसे, कैसे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे उसकी बात आती है, तो उसके लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ, ये एक्सेस ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये एक्सेस ओपन हो गया। यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है आपको और यहां से क्रिएट पे जाना है। जैसे ही जाएंगे तो ये सिनेरियो मिलेगा, 7 इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। और यहां से डिजाइन व्यू पर, ठीक है। और यहां पर इसको चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं आप, फिलहाल छोड़ते हैं ऐसे ही। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अब यूनिकली, अब देखिए ये ऊपर प्राइमरी की है, ठीक है। आप प्राइमरी की को भी सुपर की कह सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होता है, समझिए, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में आपको क्या दिखाया, कॉम्बिनेशन होता है। देखिए फिर से मैं दिखाता हूं, सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज और टपल इन अ गिवन रिलेशन। तो अभी यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं दे देता हूं रोल नंबर, ठीक है। तो ये रोल नंबर यूनिक वैल्यू होगी, जो भी डाला जाएगा वो रिपीट नहीं होगी, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट क्या सुपर की हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। ये फॉरेन की होता है, ठीक है। इसे आप प्राइमरी की भी कह सकते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी की ही है, हमने आपको पहले प्राइमरी की ही पढ़ाया, लेकिन इसको सुपर की भी बोल सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट का जो आधार कार्ड आएगा, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड नंबर हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा, तो यहां पर आधार कार्ड भी क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी सुपर की का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से मैंने कर दिया। अब आप देखेंगे तो इसमें यूनिक, देखिए यूनिक वैल्यूज डाली जाएंगी। अच्छा, यूनिक वैल्यू कैसे डाल पाएंगे हम? इसमें तो हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर में तो नहीं कर सकते ना, लेकिन इसमें तो हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं आधार कार्ड में, क्योंकि हमने इसे प्राइमरी की नहीं बनाया, ठीक है। तो इसमें भी आप यूनिक वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। कैसे एंटर करेंगे, देखिए बड़ा आसान तरीका है। यहां पर जब आप जाएंगे, ये देखिए ये जो है ना आधार कार्ड, यहां पे आएंगे ना तो ये नीचे मिलेगा इंडेक्स, ठीक है। तो इस पे जाइएगा और यहां से आकर के यस नो डुप्लीकेट कर दीजिएगा, ठीक है। यस नो डुप्लीकेट, तो ये हो गया। अच्छा, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर को भी हमें डुप्लीकेट नहीं रखना, तो यहां पर भी जाकर के यस नो डुप्लीकेट कर सकते हैं। इंडेक्स में आने के बाद यहां पर भी आके यस नो डुप्लीकेट आप कर सकते हैं, तो ये हो गया। तो अभी ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सुपर कीज। अब देखिए यहां पर रोल नंबर तो अलग आएगा, आधार कार्ड नंबर अलग आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग आएगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसे सुपर की बोलते हैं। तो यहां पे देखिए एक नाम मैं एंटर करता हूं, लाइक यहां पे लिख दिया सचिन, एक नाम एंटर कर दिया। अब यहां पर आधार कार्ड नंबर जो भी होता हो आपका, तो यहां पे आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आएंगे तो यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर की बात आएगी, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, ठीक है। जब भी होगा तो यूनिक वैल्यू होगी, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा ये। देखिए यहां पे अगला नाम युवराज, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपने सेम आधार कार्ड नंबर दे दिया, तो ये अलाउ करेगा ही नहीं, देखिए ये अलाउ नहीं करेगा, ये यूनिक वैल्यू को ही अलाउ करेगा। अब ये हो गया, ये यहाँ पे आए और यहां पर इस बार हम डिफरेंट दे देते हैं, यहाँ पे ए कुछ डिफरेंट, ठीक है। अब यहां से जैसे ही आएंगे ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझ रहे बात। तो ये प्राइमरी की तो नहीं है, लेकिन ये सुपर की है। सुपर की बहुत सारी यूनिक की का कॉम्बिनेशन होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ही आप चेंजेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा, देखिए अब ये एक्सेप्ट कर जाएगा, यहां पर आ गया कर्सर हमारा। तो ये होता है सुपर कीज। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी।